नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएचडी प्रोग्राम एडमिशन 2022 के बारे में। सबसे पहले हम लोग यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि आप कब तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कितना आपका पैसा लगेगा और किस किस सब्जेक्ट में आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लें, यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई से फॉर्म आया है जो कि एक बहुत शानदार यूनिवर्सिटी है। यह एक स्टेट यूनिवर्सिटी है, महाराष्ट्र में मुंबई में लोकेटेड है। प्री इंट्रेंस टेस्ट 2022 का नोटिफिकेशन निकल करके आया है। इसमें डेट की बात करें तो 29 जुलाई से एप्लीकेशन यानी ऑनलाइन लिंक जो है अवेलेबल होगा और 12 अगस्त है, आप 12 अगस्त तक फॉर्म को भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी एंड एग्जेम्पशन की बात करें तो आप देख सकते हो यहाँ पे यहाँ दिया हुआ है कि आपको थेसिस यूनिवर्सिटी ये जो रूल है उसके हिसाब से आपको देखना होगा, तो उसमें हम लोग आगे बात करते हैं। फीस के बारे में बात करें तो यहाँ पर 1000 रुपये लगेंगे जनरल कैटेगरी को और 500 शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब को, ओबीसी को, ये तमाम सारे लोगों को 500 लगेंगे। पीजी लेवल डिफाइंड इन रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट ये क्लियर होना चाहिए। द कैंडिडेट्स कैन फिल ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट PET 2022 फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम फ्रॉम द लिंक अवेलेबल ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट स्ट्रिक्टली एज पर द गिवन शेड्यूल अबव। नो ऑफलाइन फॉर्म्स विल बी एक्सेप्टेड। एवरी कैंडिडेट इज टू इंश्योर दैट ही और शी इज एलिजिबल इन ऑल रिस्पेक्ट्स एज पर द एलिजिबिलिटी कंडीशंस एज मेंशन्ड इन द एनेक्सर 1। द कैंडिडेट शैल रिटेन द प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन, ये तो आपको पता है, ये सभी जगह करना होता है। 12 रात को 12 बजे बंद हो जाएगा। नो पर्सनल कम्युनिकेशन होगा, इसलिए आपको वेबसाइट पे अपडेट रहना होगा। रिवेल्युएशन और फोटोकॉपी फैसिलिटी की जो व्यवस्था है वह नहीं होगी। द एग्जैक्ट डेट एंड टाइम ऑनलाइन एंट्रेंस टेस्ट विल बी अनाउंस्ड इन ड्यू कोर्सेज, कुछ कोर्सेज में अनाउंस किया गया है। सब्जेक्ट की बात करें तो आप सब्जेक्ट यहाँ से देख सकते हो, अफ्रीकन स्टडीज़ है, अप्लाइड बायोलॉजी है, एंशेंट हिस्ट्री है, बायोएनालिटिकल साइंस है, अरबिक है, बायोकेमिस्ट्री है, सिविक्स एंड पॉलिटिक्स है, बायोफिजिक्स है, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, यूरेशियन स्टडीज़, फ्रेंच, जर्मन, गुजराती, हिंदी, हिस्ट्री, इस्लामिक स्टडीज़, कन्नड़, लेबर स्टडीज़, लॉजिक एंड फिलोसफी, मराठी। उसके अलावा इधर बायोएनालिटिकल है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोफिजिक्स है, बायोटेक्नोलॉजी है, बोटनी है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर साइंस है, फॉरेंसिक साइंस है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी साइंस है, लाइफ साइंस है, मैथमेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, मॉलिकुलर बायोलॉजी, नैनो साइंस, फिजिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जूलॉजी, ये सारे सब्जेक्ट हैं। इधर पाली है, पर्शियन, साइकोलॉजी है, रूरल डेवलपमेंट है, रशियन है, संस्कृत, सिंधी, सोशोलॉजी और उर्दू है। उधर फिजिक्स है, स्टैट है, जूलॉजी है, आर्किटेक्चर है, बायोमेडिकल है, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है। उसके अलावा फैकल्टी ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी स्टडीज़ की बात करें तो इसमें इन्वायरमेंटल साइंस है, जियोलॉजी, होम साइंस, कम्युनिकेशन, जर्नलिज्म, ज्योग्राफी, लॉ, लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन साइंस, लिंग्विस्टिक्स, सोशल वर्क, डांस, एजुकेशन, फाइन आर्ट्स, म्यूजिक, परफॉर्मिंग फोक आर्ट्स, फिजिकल एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन। और इधर बिजनेस पॉलिसी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, अकाउंटेंसी, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट एंड इंडस्ट्री, बिजनेस मैनेजमेंट एंड मैनेजमेंट स्टडीज, ये सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। इसमें आगे हम लोग यदि एलिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ दिया हुआ है किस तरीके से आप एलिजिबल होंगे, उसके लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। एम यू का मतलब हम मुंबई यूनिवर्सिटी है, PAT मीन्स प्री इंट्रेंस टेस्ट है, रिकॉग्नाइज मीन्स रिकॉग्नाइज बाय द अप्रोप्रिएट स्टेचरी रेगुलेटरी अथॉरिटी, रिसर्च सेंटर में दिया हुआ है, और सेंटर मीन्स द यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट, रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमिटी में RRC है, यूनिवर्सिटी मीन्स यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, UGC मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। एलिजिबिलिटी आपको पता है 55% मार्क्स की ज़रूरत होती है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड कास्ट को 50% मार्क्स की मिनिमम ज़रूरत होती है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम ये आपको यहाँ पर देखना होगा, जो भी रिलैक्सेशन है वो MPhil की तरह ही चलता है, 50% पे एडमिशन होगा या 55% पे होगा यदि आप जनरल हैं तो। ए कैंडिडेट्स पोसेसिंग डिग्री कंसीडर्ड इक्विवेलेंट टू MPhil डिग्री ऑफ एन इंडियन इंस्टीट्यूशन और
फ्रॉम अ फॉरेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्रेडिटेड बाय एन असेसमेंट एंड एक्रेडिशन एजेंसी विच इज अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड और ऑथराइज्ड बाय एन अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड और इनकॉर्पोरेटेड अंडर अ लॉ इन इट्स होम कंट्री और एनी अदर स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इन दैट कंट्री फॉर द पर्पस ऑफ असेसिंग एक्रेडिटिंग और एश्योरिंग क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. A candidate is possessing PhD degree of University of Madras or any other recognized university as per the guidelines of the UGC from time to time, that is in a given subject, and wants to pursue PhD in the same subject, in the same or other subject. Duration PhD की बात करें तो 2 साल का होगा. यहाँ दिया हुआ शैल बी अ मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स या सेमेस्टर्स. 1 साल लगेगा लेकिन 2 सेमेस्टर. ड्यूरेशन ऑफ पीएचडी प्रोग्राम शैल बी अ पीरियड फ्रॉम द डेट ऑफ एडमिशन. ये आपको देखना होगा खुद से, आप देख सकते हैं प्रोसीजर फॉर एमफिल पीएचडी का. ये देख लीजिए आप पीईटी स्कोर और 30% इंटरव्यू का होगा इस तरीके से. प्री एंट्रेंस टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉर ओनली द प्री डिक्लेयर्ड सब्जेक्ट्स जॉइंटली एमफिल एंड पीएचडी सेशंस. ये यहाँ पर एक लफड़ा, प्रोवाइडेड दैट बोथ द सब्जेक्ट्स आर फ्रॉम द सेम फैसिलिटी. फॉर द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम इन ए सब्जेक्ट ऑफ फैकल्टी अदर दैन द फैकल्टी इन विच शी और ही हैज ऑब्टेन द मास्टर डिग्री. एग्जम्पशन फ्रॉम पीईटी, यदि आपके पास पीईटी है पहले से तो आप एग्जम्प्टेड हैं, या फिर नेट है, जारेफ है, तो आप एग्जम्प्टेड होंगे. यदि आपके पास एमफिल है तभी आप एग्जम्प्टेड होंगे. तो ये सारा स्ट्रक्चर ऑफ पीईटी की बात करें तो 100 एमसीक्यूज वगैरह होंगे, ये आपको खुद से देखना चाहिए. बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए. मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें.